ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विरोध व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरना दे रहे बैंक कर्मचारियों का कहना है कि 2% की वेतन बढ़ोतरी के विरोध में वह धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी बैंक निरंतर लाभ पर है, परंतु सरकारी नीतियों की वजह से बैंक का NPA जो 1992 में 29,250 करोड़ था, वह दिसंबर में 77,780 करोड़ हो गया है। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सचिव ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एसोसिएशन के पांडे सुशील कुमार ने कहा, IBA, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे बैंकों में 30-31 को बैंकों में हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो करो, हमारी मांगे पूरी करो, वेतन समझौता में विसंगतियों को दूर करो, IBA, वित्त मंत्रालय। हम लोग का वेतन समझौता जो दूर था 1/11/2017 से ड्यू था, वो आज तक अभी तक पूरा नहीं हुआ है। परसों हमारी IBA के साथ मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी IBA ने सिर्फ मेडिकल इश्यू जो हमारा पेंडिंग था उसके विषय में वार्ता की। 30-31 को जो हमारी वेतन समझौता के लिए वार्ता हो रही थी उस पर हड़ताल का आह्वान 30-31 को किया गया था, उस पर भी उन्होंने कोई चर्चा आश्वासन नहीं दिया। हमारी मांगे मुख्य रूप से यह है कि जो हमारे स्केल 7 तक के अधिकारी हैं उन सभी का आज तक जितनी भी पिछली समझौता हुई है उसमें किया गया है, परंतु सरकार इस समझौते के तहत वो कहती हैं कि केवल स्केल 3 तक का ही हम समझौता करेंगे, उसके ऊपर का वेरिएबल्स पे का मतलब है जो व्यक्ति उनके ज़्यादा करीबी होंगे, चमचागिरी होंगे, उनको वेतन वृद्धि देंगे, बाकी को वो किनारे कर देंगे। ऐसी विसंगतियों का हम विरोध करते हैं। जब तक ये मैंडेट नहीं लागू किया जाएगा कि सभी पर लागू हो, तब तक हमारा अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। 30-31 को जो हमारी हड़ताल है, वो हड़ताल का मुख्य उद्देश्य है हमारा जो भी चार्टर ऑफ डिमांड है उसको इमीडिएट लागू किया जाए 1/11/17 से। सरकार जो इसमें वेतन विषय में तो जो कैबुअल एकदम ऐसे लगता है जैसे हमारी एक हम बेगर की तरह उनके पास जा रहे हैं, उसको समाप्त करके अविलंब हमारी वार्ता शुरू करें, क्योंकि सभी व्यक्तियों को जैसे कि जानकारी है बैंक के वित्तीय संस्थान है, हर व्यक्ति को बैंकों से लेन देन प्रतिदिन करता है। हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं हड़ताल की ओर मुखातिब होते हैं, हमें मजबूर किया जाता है सरकार के द्वारा कि आप हड़ताल करो, बिना हड़ताल के हमारी समस्याएं सुनी नहीं जाती है। हम चार्टर ऑफ डिमांड 1 अप्रैल 2017 को ही जमा कर चुके थे IBA के पास, परंतु उस पर कभी भी कोई भी सरकार केवल एक लेटर जारी कर देती थी कि आप इनका वेतन वित्त समझौता 1/11 से पहले लागू कर दीजिए, परंतु ठोस कार्रवाई कभी भी नहीं की गई। इसका यह तात्पर्य है कि सरकार हमारी जो समझौते की नीतियां वो बिना हड़ताल के बिना संघर्ष के नहीं शुरू करेंगे। अभी 30-31 को हमारा जो चरणबद्ध कार्यक्रम है हड़ताल का, उसमें 17 तारीख आज हमारी डिमोन्स्ट्रेशन थी लंच टाइम में, 18 को हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास एक मेमोरेंडा देंगे अपने हड़ताल से संबंधित 18 तारीख को, 19 तारीख को लेबर मिनिस्टर के पास हमारी पुनः वार्ता है, उसके बाद 22 तारीख को हम फिर पुनः गवर्नमेंट को एक और मौका देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हमारी जो भी मांगे हैं उसके विरोध में। सभी तरह से 24 तारीख को एक डिमोन्स्ट्रेशन है और 28 तारीख को हम काला दिवस मनाएंगे, लेकिन ग्राहक सेवा को बाधित नहीं करेंगे।